अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी भी भाई सुबह 7:30 का टाइम है। अभी अभी मैं एसन को छोड़ के आया हूँ। का पेपर है आज, इंग्लिश का सेकंड पेपर है। होपफुली अच्छा ही होगा क्योंकि तैयारी अच्छी कर रहा है लोंडा। वो तो पता चलेगा ना रिजल्ट आने पे। एनीवेज अभी मैं भाई टहल रहा था आपको। यार बहुत ठंडे पैर हो रहे हैं यार। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, ये अभी जो निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये सारा मैं इधर चल रहा था घास में, तरेल में, सुबह सुबह की। बड़ा मजा आता है यार। तो यार वो आपसे एक बात शेयर करनी थी। पिछले वाले व्लॉग में मैंने यूट्यूबर्स के बारे में कुछ कहा है ना, वो मैं खुद नहीं भाई बात की किसी से, ना ही खुद रिक्वेस्ट की है मैंने कि आगे भाई मेरा चैनल प्रमोट करो या मेरी हेल्प करो या मुझे आपसे बात करनी, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं कल भूल गया था कहना, आप समझ होंगे बात, माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो मैं वो क्लियर करने लगा था कि भाई मैं किसी से नहीं था बात कर रहा, बस मैं बता रहा था कि यूट्यूबर ऐसा करें ना। मैं किसी यूट्यूबर का नाम लिया, आपको तो पता है, बस मैं आपको बता रहा था कि खुद ही कोशिश करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर भी रहा हूँ। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है भी नहीं, मेरी आदत भी नहीं है स्टार्टिंग से, जो करना है खुद ही करना है, जो कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया भी है। गॉड इज़ द बेस्ट, ठीक है, हेल्प करने के लिए। तो भाई ऊपर वाले से हेल्प मांगता हूँ जब भी मांगता हूँ, उससे बेस्ट और कोई हेल्प करता भी नहीं है भाई, और कोई हेल्पर नहीं है उससे बड़ा। एक तो मेरे दोस्त ने ट्राई की थी, वो मिलने गया हुआ था, ठीक है, यूट्यूबर्स को एक, लेकिन उसने सेल्फी नहीं दी जैसे मैंने बात किया। और दूसरे नंबर पर जो एक यूट्यूबर और है जिसने मैसेज किया था दूसरे को, छोटा यूट्यूबर था, इतना भी छोटा नहीं था, तो ऑटो मैसेज, ऑटोमेशन ही जैसे होता, ऑटो मैसेज आ जाता, जैसे कोई वो ऑनलाइन सेलर होते हैं अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, नीचे ऑटोमेशन मैसेज लगा होता है। तो वो उसका लगा था भाई मेरे साथ बात करने के लिए, वो फला फला आपको ये पे करना पड़ेगा, ये टाइमिंग होगी, ये सीन सारा। Many hours later. अभी है नर्सरी, मैं इसलिए आ गया था। आप कह रहे होंगे भाई क्या लेने आ गए हो, हैं क्या मैंगो लेने आ गए हो? काफी दिनों से मैंने चक्कर लगाना था, मेरा नहीं था लगा, टाइम नहीं था लग रहा। उस दिन जो पौधे लेके गए थे ना, उनमें से कुछ चल गए थे, कुछ स्टार्ट हो गए थे चलना। भाई कह रहे हैं कि यार जो नहीं चले, मैंने उन्हें बताए थे कि भाई जितनी भी तरीके हैं ना, जितनी भी बगाने हैं, वो उनमें से एक भी नहीं थी चली। 15 लेके गया था मैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं यार, वो मैंने जितनी भी सेल की है वो सारे गाहकों से मुझे कंप्लेन आई है। वो मसला ये हुआ था कि जब पैकिंग हुई थी ना, उसमें थोड़ा सा इशू हो गया था, जो पीछे से मैंने ना मंगवाई थी तो उसमें थोड़ा लीड होते होते कोई इशू हो गया था। तो मैंने कहा चले ठीक है, कहते कोई मसला नहीं, मैं आपको 20 दे दूंगा, टेंशन नहीं है, आप जब दिल करे ले जाना। वो ये पूछने आया था, बाकी मैंगो के पौधे पूछ रहा था मैं भाई, 2000 का जो एक साल तक जो है ना, कह रहे हैं कि फल देना शुरू कर देगा। मुझे तो लग रहा है महंगे दे रहे हैं, कह रहे हैं मैंने 2500 के काफी ज्यादा सेल कर दी है। वो उनका मैटर है, पता नहीं अब सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, भी 2500 की सेल हो गए हो। ये देखो सारी ये नर्सरी है, इससे बाहर चल के मैं थोड़ा सा आपको विजिट कराता हूँ। ये सारे पौधे लगे हुए हैं, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज्यादा काफी गर्मी हो गई है, अब जो ना रोजों का पता लगेगा। एनीवेज अभी यार जोहर का टाइम होने वाला, सबसे पहले तो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। मैं तो नमाज पढ़ के आ गया था मस्जिद में, लेकिन इसे मैंने इतना कहा, उन्होंने इधर ही पढ़ ली थी, कहते जमात हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एक पेशेंट आया, बच्चा था, उसके कितने होने थे, वो कहते हैं ना सुनते, जाहिद तो पहले भी बहाने करते रहते, लेकिन कल बच्चे ने जाहिद के ऊपर पेशाब कर दिया, ठीक है, उसके सारे कपड़े हो गए गंदे। कल तो उसके पास कोई बहाना था ही नहीं ना, बस वो हम सबको पता लग गया था कि भाई ठीक है बच्चे ने पेशाब कर दिया। तो आज भी ना उसने कहा कि मैंने नहीं जाना, ठीक है, नमाज तो पढ़ ली, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा ठंडा होता है, निकलते हैं बाहर यार। 3 hours later. आगे तो उधर से सीधा हवेली, काम से जो है ना काम हो तो उधर जाते हैं, अदरवाइज एसएम का एग्जाम भी होगा था इंग्लिश का, जो था सर भी जो है ना अभी तकरीबन हो चुकी हुई है, और अफतारी में एक घंटा रह रहा शायद से। हाँ अंदर जुएब तैयारी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, तैयारी चल रही है हाल माश है ये। नहीं ताड़ी नहीं बना रहे हैं। ये रोड अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है आपके सामने, काम कितना तेज चल रहा है, देखो
काम बड़ा तेज चल रहा है। कल हम आए थे ये नहीं था सारा कुछ, ठीक है आज हम आया तो भाई सारा इन्होंने जो है ना पुट के बड़ा मार रहा है यार। काम में तीन तीन एक साथ तीन क्रेने लगी हुई है एक साथ भाई, शूटर लगे हुए हैं शूटर बहुत अच्छे यार। खान साहब के पास आ गए हैं इफ्तारी देने। ट्रे रेडी लगी हुई है, जूस भी पहन गया है, खजूरें भी हैं, लो कार्ड भी हैं, पकौड़े भी हैं और साथ में ये चटनी भी है। जायश बच्चे तो माश की दाल बनी हुई आपने देखी है पहले, वो चल जाएगी बाद में। और आज रोजा भी लगा हुआ है यार, बोला इसीलिए नहीं जा रहा पार्क भी। जेब को नहीं लगा हुआ शायद से, जेब एक्टिव है थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है जेब को भी। टपहरा तो नहीं था रखा आज, टपहरा तो नहीं था आज भी तेरा। रोजे में तीन चार मिनट रह गए अफ्तार होने में, तो अभी ऐसा करते दुआ कर लेते पहले। यार हो चुका है 25 पे होना था आज, हो चुका हुआ है अभी। इतने खाए जाने भी नहीं है भाई, ये डेरी जो लगी है ना ये आधा किलो कोड़े हैं ये। फाइनली यार फ्री हो गए थे अफ्तारी से, ठीक है सारा कुछ खा लिया था। और मेन बात जो है वो ये कि भाई आधा किलो पकोड़े हमने बाकी खा लिए, मजे के थे। तो ये चेक करो ये बचे हुए हैं बस, ऐसे बैठे हुए थे तो ऊपर से मेंडल चौधरी भी आमद हो गई इसकी भी चेक करो। तो आज के लिए बस बोले यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।